हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मु प्रभाकर, आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी। आज 7 जनवरी 2021 चलतु जानि नबा आज दिन 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट। आज बड़ खबर जानवे समस्त को मिल 2 लाख ऋण टंका आपण को केमिति मिल वीडियो शेष जाए देखु जाणिने। सहित अन्य खबर स्कूल कॉलेज पाई आसला पुणी एक नुआ नियम। ता सहित चिकेन किलो पहुँचला 30 रे। चासी आंदोलन ठू आरंभ कर 8 तारिख रे बंद हम व्हाट्सअप करनी एही काम। से आपण को अनुरोध वीडियोटी 13 रु 14 मिनट जाए देखु जहाद्वारा देश विदेश ठू आरंभ कर राजनीति क्रिकेटर सबु खबर जापारे। आपण को भल पाइबा देवे वीडियो को लाइक करिबे, तळे थिबा लाल कलर बटन टिकु टच करी सब्सक्राइब करी, पाखरे बेल बटन टिकु टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे, जहा द्वारा आज दिन सबु खबर जानी पारिबे। जीरो परवर्ती खबर 6400 कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव को राज्य सरकार अनुमोदन सृष्टि हम 4631 निजुक्ति सुजोग। सूचना अनुसार सीमेंट लौह और रिफाइनरी क्षेत्र में 6400 कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव को अनुमोदन देइचंती ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एहाद्वारा ओडिशा रे 4631 निजुक्ति सुजोग सृष्टि हबो बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर जीएसटी क्षतिपूरण ओडिशा को 10 किस्ती में मिलला 2370 कोटी टंका। सूचना अनुसार केन्द्र सरकार आज राज्यगुड़ी को जीएसटी क्षतिपूरण 10म किस्ती जारी करिसंती। देशर 23टी राज्य 3टी केन्द्रशासित अंचल को आउ 6000 कोटी टंका देइचंती मोदी सरकार। 10 थर रे राज्यगुड़ी को मोट 60000 कोटी टंका हस्तांतर करा जाइछि, सेथिरु ओडिशा को 2370 कोटी टंका मिलिछि बोली सूचना आसीछि। आज परवर्ती खबर पीएम केयर्स पांठि प्रतिष्ठा हम देश में 162टी मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन कारखाना। सूचना अनुसार भारत में आउ अतिरिक्त 162टी मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन कारखाना स्थापन करा जिबो। सेथिपाई पीएम केयर्स पांठि ट्रस्ट रु 201 कोटी 58 लाख टंका खर्च करा जिबो बोली सूचना मिली। जीरो परवर्ती खबर अंडा और मांस भल भाव रांधि खाइबा को परामर्श देले केंद्र मंत्री। सूचना अनुसार देश में बार्ड फ्लू व्यापीबा आरंभ करथिबा बेले एथिपाई व्यस्त न होबा को केंद्र पशु संपद मंत्री गिरिराज सिंह लोकमानकु परामर्श देइचंती। ताहा सहित कहिचंती जे बार्ड फ्लू भितरे देशवासी अंडा और मांस बेस आराम रे खाई पारिबे, किंतु एहाकु भल भाव सिझाई और रांधिबा परे खांतु जहाद्वारा बार्ड फ्लू हबो नाही बोली केन्द्रमंत्री सूचना देइचंती। आज परवर्ती खबर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बड़ अपडेट आउ 2 मास सतर्क रहिबाकु राज्यवासी को निवेदन कले। सूचना अनुसार वर्तमान ओडिशा रे व्यावसायिक प्रतिष्ठान ठारु आरंभ करी धर्मानुष्ठान आदि संपूर्ण भावे खोली थिबा बेले शीघ्र शिक्षानुष्ठान खोलिबाकु जाउछि, तेणु आगामी 2 मास आमको सतर्क सह चालिबाकु पड़िबो बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशावासीकु निवेदन करथिबार सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर आहुरी शक्तिशाली हबो भारतीय वायुसेना 50000 कोटी टंकार सामरिक चुक्ति तयारी हबो 83 तेजस विमान। सूचना अनुसार नुआ वर्षर आरंभ रे भारत सामरिक क्षेत्र में 2टी ऐतिहासिक पदक्षेप नबाकु जाउची। पूर्वरु योजना करा जायथिबा सामरिक विमान क्रय चुक्ति को भारत किछि मास भितरे पूरण करिबाकु जाउची बोली तथ्य आसीछि। एहार बजेट पाखापाखी 50000 कोटी टंका हबो। ताहा सहित स्वदेशी ज्ञान कौशल रे 83 तेजस लढुआ विमान सृष्टि हबो बोली सूचना मिलिछि। जीरो परवर्ती खबर आरपीएस रे गैस लीक घटना रे 2 DGM निलंबित मृतकों परिवार को मिल 2.5 लाख टंका जण को चाकरी। सूचना अनुसार राउरकेला स्टील प्लांट रे गैस लीक हो 4 जण श्रमिक मृत्युबरण करचंती। सेपटे दुर्घटना पई 2टी डेप्युटी जनरल मैनेजर को निलंबित करा जायछि। ताहा सहित मृतकों परिवार को 2.5 लाख टंका सहायता प्रदान करा जिवो बोली कंपनी पक्षरु घोषणा करा जिबा सहित मृतकों परिवार को चाकरी दिया जिबो बोली तथ्य मिली।
परवर्ती खबर आज पुणी ओडिशा रु 230 जन कोरोना आक्रांत रु आरोग्य लाभ करी घर को फेरी मिसाई ओडिशा रे मोट सुस्थ संख्या 327,008 पहुंची तथ्य मिली। आज परवर्ती खबर ओडिशा रे 24% अधिक धान संग्रह होई खाद्य जोगाण मंत्री दिले बड़ अपडेट। सूचना अनुसार गत वर्ष तुलन में चलित बर्ष राज्य में 24% अधिक धान संग्रह होई अधिक धान संग्रह नहीं ट्वीट कर सूचना देखते राज्य खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं। ता सहित आज सुधा ओडिशा रे 26,48,434 मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाई छि। एथिसह 4,538 कोटी टंका चासी को खाता को जाई छि बोली सूचना मिली छि। आज परवर्ती खबर भारत रो हज यात्रा करथिबा लोकों को दिया जिवो कोरोना टीका सरकार को बड़ घोषणा। सूचना अनुसार मुसलमान मानक पवित्र तीर्थस्थल हज यात्रा रे तीर्थस्थान को जिबा पाई एबे आवेदन चली। समय रे केन्द्र संख्यालघु व्यापार मंत्री मुक्तार आवास सूचना देखते जो माने भारत रु हज तीर्थजात्राई जी से कोविड टीका दिजा बोली अपडेट आसी। परवर्ती खबर लंबा लड़े लड़ाक प्रस्तुत हेले चाषी सिंघु सीमार लगे ला व्वाटर प्रूफ टेन्ट। सूचना अनुसार आज को प्राय 43 दिन धरी पहुंची चासी आंदोलन। नूतन कृषि आईन को प्रतिहार दाबी नहीं चासी भाई माने खरा वर्षा शीतरे दिल्ली सीमारे आंदोलन करुचंती। सेपटे दिल्ली रे वर्षा होइतिबारु पुराणा टेंट सब भांगी जाइछि जहाँफल लंबा लड़ेपी चासी भाई माने वाटर प्रूफ टेंट प्रस्तुत करथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सर्भे 85% पिला चाहती ओडिशा रे स्कूल खोलु बोली। सूचना अनुसार महामारी कोरोना पई दीर्घ 9 मास धरी स्कूल कॉलेज बंद रही राज्य रे। सेपटे शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सर्वे रु जमापड़ी जे 85% पिला चाहती ओडिशा रे खूब शीघ्र स्कूल खोलु बोली। आज परवर्ती खबर घर महिला कार्य को हीन दृष्टि देखु ना निजर चिंताधारा बदलांतु बोली कहले सुप्रीम कोर्ट। सूचना अनुसार सुप्रीम कोर्ट गोटे केसर शुणा समय कहते घरे रुवा महिला मान कार्य को स्वामी ऑफिस कार्य भली महत देवा उचित। सहित किछि लोक चिंता करती कि घरे रहुथिबा महिला माने काम करती ना किंबा से माने घरर कौनसी आर्थिक सहायता रे निजर सहयोग दे न थांती एहा भूल अटे। वर्तमान एपरी चिंताधारा ठारु दूरेई रहिबाकु देशवासी को अपडेट देइचंती सुप्रीम कोर्ट बोली सूचना मिलिछि। आज परवर्ती खबर पुणी ओडिशा रे 26 पैसा और 25 पैसा बढ़ला पेट्रोल डीजेल दाम। सूचना अनुसार ओडिशा राज्य पेट्रोल लिटर पिछा 84.61 पैसा पहुंची बेले डीजेल प्रति लिटर पिछा 80.74 पैसा पहुंची बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर किसान चलचित्र रे नजर आसबे सोनू सूद आनुष्ठानिक भाव घोषणा हला। सूचना अनुसार देश में चाषी आंदोलन चली बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद तांकर नुआ फिल्म किसान को नहीं आनुष्ठानिक भाव घोषणा करथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर बार्ड फ्लू आशंका रैपिड एक्शन टीम गठन करने को निर्देश देले मुख्य शासन सचिव। सूचना अनुसार कोरोना संकट टळी नथिबा बेले सेपटे देशर 5टी राज्य रे बार्ड फ्लू रो आशंका देखा देइछि। अन्यपटे ओडिशा रे जिला स्तरीय रैपिड एक्शन टीम गठन करने को मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र निर्देश देखते। सहित ओडिशा रे वर्तमान सुधा पखापाखि 11,000 परीक्षा हो सारा तेरे एजाए बार्ड फ्लू चिह्नट होना ताहत लोक मैंने भयभीत हूँ ना बोली मुख्य शासन सचिव अपडेट देखते। आज परवर्ती खबर आज केन्द्र मंत्रिमंडल बैठक। सूचना अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस जोगे केन्द्र मंत्रिमंडल बैठक अनुष्ठित हम एन गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना हबो। सेहीपरि ओबीसी वर्ग पई आयोगक कार्यकाल वृद्धि संपर्क रे आलोचना करा जीवो बोली सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर भारत रु कोवास्किन टीका किणिबो ब्राजिल। सूचना अनुसार
ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ ଭାରତ। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ କିଣିବାକୁ ବ୍ରାଜିଲ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୁନେସ୍ଥିତ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୋଭାସିଲ୍ଡ ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତର ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଞ୍ଚ ନିୟୁତ କୋଭାସ୍କିନ୍ ଟିକା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ 51% ଭୋଟ ସହ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 51% ଭୋଟ ସହ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ବିଜେପିର ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାବାଳକକୁ ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ ବୋଥ୍ରା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ନାବାଳିକ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି କିପରି ସରୋଜକୁ ନାବାଳିକ ବଦଳରେ ସାବାଳକ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସବୁ ବୟସର ଭକ୍ତ, ଅନୁମତି ଦେଲା ବିଏମ୍ସି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଥିବା ବୟସ କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି, ଫଳରେ ଏଣିକି ସବୁ ବୟସର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରୀରେ ରଣଜୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେବ। ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫି ଜମା ଲାଗି ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜରିମାନା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ 28 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଚିକେନ୍ କେଜି ପହଞ୍ଚିଲା 30 ଟଙ୍କାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୟ ଥିବାରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଚିକେନ୍ କେଜି 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ ନିୟମ ବଦଳାଇ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି ଏହି ନୂଆ ପଲିସିର ଅପଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏହି ନୂଆ ପଲିସିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 8 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜର୍ସକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମୟ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ, କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପେଟିଏମ୍ ଦେଶର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ 365 ଦିନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଋଣ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ଋଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍ ଏବଂ ସପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଧାରରେ ମିଳିବ। ଆପଣ 18ରୁ 36 ମାସର EMI ଭରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସମସ୍ତ ପାଖଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନର ସବୁ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।